नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योति शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको जातक का भाग्य उदय कब होगा इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है कि उसका भाग्य उदय कब होगा। किसी भी जातक के लिए उसका भाग्य बली होना शुभ माना जाता है। भाग्य बली हो तो जातक जीवन में ऊंचाइयों को छू पाता है, छू पाने में सफल भी हो जाता है। कुंडली में नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी किस भाव में गया है इसका विचार किया जाता है। भाग्येश का केंद्र त्रिकोण में बैठना शुभ फलदायक माना जाता है। भाग्येश चाहे बली हो चाहे अल्प बली हो तो भी योग कारक रहता है। नवम भाव या नवमेश का संबंध किसी भी तरह से केंद्र त्रिकोण धन भाव या लाभ भाव से बन रहा है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। भाग्येश थर्ड हाउस में बैठा हो तो उसकी सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर होती है, जिससे भाग्य मध्यम बली होता है। भाग्येश का त्रिक भावों में यानी कि छठे, आठवें और बारहवें भावों में बैठना खराब माना जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारा भाग्य कैसा है। भाग्येश यदि लगन में बैठा है तो ये बहुत शुभ फलदायक है। भाग्येश यदि सेकंड हाउस में बैठा हो तो ये धन योग होता है। भाग्येश यदि थर्ड हाउस में हो तो जातक का भाग्य मध्यम बली होता है। भाग्येश यदि फोर्थ हाउस में बैठा है तो ये केंद्र त्रिकोण का संबंध है, ये राजयोग है। भाग्येश यदि पांचवें भाव में बैठा है तो ये बहुत शुभ फलदायक होता है। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में हो तो ये उत्तम अवस्था है। भावात भावम नियम के अनुसार नवमेश अपने से नवम भाव में यानी कि पंचम भाव में हो तो भाग्य अच्छा होता है। नवमेश यदि सिक्स्थ हाउस में त्रिक भाव में हो तो भाग्य कमजोर करता है, जीवन में सदा संघर्ष बना रहता है। नवमेश यदि सेवंथ हाउस में हो तो ये केंद्र त्रिकोण का संबंध है, ये राजयोग है और जातक का भाग्य उदय उसके विवाह के पश्चात होता है। भाग्येश यदि एट्थ हाउस में हो तो ये अशुभ फलदायक है। नवमेश अपने से बारहवें भाव यानी कि व्यय भाव में भाग्य कमजोर करता है, जातक जीवन भर संघर्ष करता रहता है लेकिन भाग्य उदय नहीं होता है। भाग्येश यदि भाग्य भाव में हो तो इससे अच्छी प्लेसमेंट तो हो नहीं सकती कोई, जातक बहुत भाग्यवान है। भाग्येश यदि टेंथ हाउस में हो, कर्म भाव में हो तो ये केंद्र त्रिकोण का संबंध है, इसे धर्मा कर्माधिपति राजयोग भी कहते हैं। जातक का भाग्य उसके कर्मों से उदय होगा, जातक भाग्यवान होता है। भाग्येश यदि लाभ भाव में हो तो जातक के भाग्य में लाभ ही लाभ लिखा है, जातक की सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ति होती है। भाग्येश यदि ट्वेल्थ हाउस में हो तो जातक का भाग्य बहुत कमजोर होता है क्योंकि बारहवां भाव हानि का भाव है, भाग्य की हानि होती है। अब आपको बताते हैं कि भाग्य उदय का स्थान कौन सा है। कुछ जातकों का भाग्य अपने जन्म स्थान पर ही होता है या अपने जन्म स्थान के नज़दीक ही उदय होता है, लेकिन कुछ जातकों का भाग्य उदय अपने जन्म स्थान से बहुत दूर भाग्य उदय होता है, विदेशों में होता है। भाग्य भाव पर भाग्येश की दृष्टि हो या भाग्य भाव में ही भाग्येश स्थित हो तो जातक का भाग्य उदय अपने ही देश में होता है। यदि भाग्य भाव को बलि ग्रह थर्ड हाउस से बैठकर दृष्टि देता है या लगन से या पंचम भाव से गुरु ग्रह नवम भाव को दृष्टि देता है तो भाग्य में विशेष रूप से वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त कुंडली में नाइन्थ हाउस में भाग्य भाव में जो भी राशि होती है
उससे भी भाग्य का वश तय होता है कि भाग्य उदय कब होगा। सूर्य से 22वां वर्ष माना जाता है, चंद्रमा से 24वां वर्ष माना जाता है, मंगल से 28वां वर्ष माना जाता है, बुध से 32वां वर्ष माना जाता है, शुक्र से 25वां वर्ष माना जाता है, शनि से 36वां वर्ष माना जाता है। यदि 9th हाउस में राहु का प्रभाव हो तो 42 वर्ष के बाद भाग्य उदय होता है। यदि 9th हाउस में केतु का प्रभाव हो तो 48वें वर्ष के बाद भाग्य उदय होता है। इसके अलावा यदि नवम भाव में उच्च का ग्रह हो तो जातक बहुत भाग्यवान होता है, धनवान होता है। तीसरे भाव में शनि राहु केतु हो तो उसकी सातवीं दृष्टि से जातक के भाग्य में बहुत संघर्ष रहता है। भाग्य जहाँ बैठा हो उसका डिस्पोजिटर भी देखना चाहिए। यदि डिस्पोजिटर बली हो तो जातक का भाग्य अच्छा होता है। भाग्य भाव या भाग्येश पाप कत्री हो तो भी भाग्य में संघर्ष रहता है। 9th हाउस में शुक्र बैठा हो और शुक्र पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक बहुत भाग्यवान होता है। 9th हाउस में भाग्य भाव में भाग्येश या कोई भी उच्च का ग्रह बैठा हो तो बहुत शुभ फलदायक होता है, भाग्य उसका बहुत अच्छा होता है। धन भाव का स्वामी या लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव में हो तो भी जातक बहुत भाग्यवान होता है, धनवान होता है। भाग्य भाव, धन भाव, लाभ भाव तीनों में यदि अष्टक वर्ग में 28 या 28 से अधिक बिंदु हो तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है, बहुत धनवान होता है। 9th लॉर्ड का, नवमेश का 7th हाउस में बलि होना यानी विवाह के बाद भाग्य उदय होता है। 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का नवम भाव और दशम भाव का आपस में राशि परिवर्तन हो या नवमेश दशमेश का कुंडली में कहीं पे भी युति हो या आपस में परस्पर दृष्टि हो तो जातक बहुत भाग्यवान होता है। नमस्कार।